हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग पैलेस। आइए आज क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ACF ऑफ 306 और 657 इक्वल टू 9 दिया है। LCM 306 और 657 का ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है? 306 और 657 का HCF दिया हुआ है हम लोग को 9, और LCM निकालना है 306 और 657 का। तो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा था कि संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू होता है LCM गुना HCF। ठीक है, तो इसी से हम लोग निकालेंगे, हल करते हैं। संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है? LCM गुना HCF। ठीक है, होता है। संख्याओं का गुणनफल क्या है? 306 गुना 657 इक्वल टू LCM, हम लोगों को नहीं पता है, इसको एज इट इज़ लिख देंगे, इनटू HCF हम लोग को पता है, उसका दिया हुआ है क्या? 9। अब LCM निकालेंगे। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो LCM इज इक्वल टू 306 गुना 657 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, इसको अब काटते हैं। 9 से 9, 18, 9, 3, 27, 28, 29, 30, 9, 4, 36। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 34 गुना 657 और 34 को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या आता है। 4 7 7 4 28 के 8 हाथ में 2, 5 4 20, 2 22 के 2 हाथ में 2, 6 4 24, 25 26। ठीक है, और 5 6 20 के 0 हाथ में 2, 7 21 के 1 हाथ में 2, 5 3 15 16 17 के 7 हाथ में 1, 6 6 3 18 और 1 19। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 8 3, 7 6 13 के 3 हाथ में 1, 9 2 11, 1 12 2 हाथ में 1 और 1 2, 22,338। ठीक है, इतना हम लोग का क्या आ गया? इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो LCM आ गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में मैं आपको अगला क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए सेफ रहिए, और हम लोग का वीडियो अच्छा लगता है, मेरा वीडियो अच्छा लगता है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।